हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नुसरत, जहां फैशन एंड लाइफस्टाइल। और मैं हूं नुसरत, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि कैसे क्रिएट करें दुर्गा पूजा मेकअप लुक। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मेकअप लुक शेयर किया जाए विद ज्वेलरी एंड साड़ी। तो गाइज, मैंने आज यहाँ पर आप लोगों को बताया है दुर्गा पूजा लुक कैसे क्रिएट करें। तो गाइज, यहाँ पर मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करूंगी, जरूरी नहीं कि आप भी उसी प्रोडक्ट को यूज करें। आपके पास जो भी और जिस भी ब्रांड का प्रोडक्ट हो, आप उसी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, पर आप कोशिश ये करें ज्यादातर कि अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट को यूज करें। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले मैंने किया है अपने फेस को एक वाइप्स के थ्रू क्लीन, कि अच्छे तरह से क्लीन हो जाएगा तो इसके ऊपर मेकअप अप्लाई करेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यहाँ पर पॉन्ड्स की क्रीम ली है, जिससे कि हमारा फेस मॉइस्चराइज हो जाएगा। और जैसे ही ये क्रीम मैं अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है हुडा का प्राइमर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने हुडा का प्राइमर लिया, और प्राइमर इसलिए लगाया जाता है जो कि ओपन पोर्स होते हैं उसको लॉक कर देता है, और जिससे कि हमारा जो मेकअप होता है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग तक ही टिका रहता है। तो इसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैक का फाउंडेशन। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा कवरेज देता है, आप इसे ज़रूर लगाएं, और ये मॉइस्चराइज भी कर देता है हमारे फेस को, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन होता है। और इसे भी अच्छी तरह से टैप टैप मोशन में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लें। आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, और इसे अपने नेक और ईयर पूरे तरह से कवर कर लें ताकि इक्वल फेस लगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से अपने फेस को ब्लेंड कर लेना है गाइस। और जैसे ही ये ब्लेंड हो जाता है, तो गाइस इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्रो कंसील। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा मेरा ज़्यादा मात्रा में कंसीलर निकल गया है, क्योंकि इसका थोड़ा कैप लूज था इसलिए। तो इसे भी मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, अगर वो ज़्यादा है तो उसे भी मैं अच्छी तरह से नेक और अपने बैक पर या फिर ईयर्स पर अच्छी तरह से लगा लूँगी, जिससे अच्छी तरह से पूरा ब्लेंड हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह से इसे भी ब्लेंड कर लिया है ऑलमोस्ट, और इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। तो गाइस, ब्यूटी ब्लेंडर कोशिश ये करना चाहिए कि ब्यूटी ब्लेंडर से ही मेकअप का जो भी बेस हो उसे ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू ही स्प्रेड करना चाहिए, ब्लेंड करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से इक्वल एक ब्लेंडिंग कर देता है। इसके बाद मैं यहाँ पर अपने फेस को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि फ्लफी ब्रश के थ्रू मैं इसके सेट कर रही हूँ अपने फेस को। इसे भी अच्छी तरह से अपने फेस पर अच्छी तरह से लगा लेना है, जिससे कि हमारा जो मेकअप बेस हो वो अच्छी तरह से लॉक हो जाए। इसको भी अपने फेस, आईज, अंडर आईज या ईयर, नेक, यानी कि सब इक्वल तरीके से इसको भी लगा लेना है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपने फेस को इसे कॉन्ट्रोल स्टिक से, और इसे अपने नोज पर भी लगाना है, फॉरहेड पे लगाना है, थोड़ा सा चिन एरियाज पे भी लगाना है, और इसे भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप मोशन पे इसे भी ब्लेंड कर लेना है। तो गाइज, इसे कॉन्ट्रोलिंग करने से क्या होता है, अगर जो किसी किसी का फेस काफ़ी चौड़ा ब्रॉड होता है तो वो स्लिम नज़र आता है, नोज़ किसी की ब्रॉड होती है वो स्लिम नज़र आती है, और फॉरहेड भी सेम इसी तरह से वर्क करता है फॉरहेड पे भी। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करी अपने ब्रॉज को फिल करने के लिए आईब्रो पेंसिल। एनम के ब्रांड की ये आईब्रो पेंसिल है, इसे मैं अच्छी तरह से अब से अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी, और काफ़ी अच्छा इससे भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग ये भी रहता है। इसके करने के बाद फिर मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से अपने ब्रॉज को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, जिससे कि हमारा ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो हमारा ब्रोज भी ऑलमोस्ट सेट हो गया है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे SFR का मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इसमें से मैंने लिया है एक वाइन शेड, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लाइट वाइन शेड लिया है, जो कि मैं अपने आउटर कॉर्नर पे इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, और इसे इसी ब्रश की हेल्प से मैं अपने क्रीज लाइन पर भी सेम शेड को अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले रही हूँ। गाइज, ध्यान रखें कि कोई भी अगर आई शेडो पैलेट यूज़ करते हैं आई शेडो लगाने के लिए, तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना चाहिए, जिससे कि हमारे आईज़ का जो भी है मेकअप लुक वो ज़्यादा केकी नज़र ना आए। इसके लिए हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसको ब्लेंड करना। तो मैंने सेम कलर को इस आईज़ पर भी लिया है, और इसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो गाइस, इसे दोनों आईज पे मैंने सेम कलर ले लिया है। फिर इसके बाद फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ एकदम लाइट पिंक शेड, उसे भी अपने आउटर कॉर्नर पे से लेकर क्रीज लाइन पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी, और इसे ध्यान रखिए कि आईलेट पे ना लगने दे इस कलर को, क्योंकि मुझे आईलेट पे दूसरा कलर अप्लाई करना है, इसलिए इसे सिर्फ आउटर कॉर्नर से लेकर क्रीज लाइन पे ही इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ हल्का सा ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड, आप देख सकते हो, उससे मैंने यहाँ पर एक विंग क्रिएट कर लिया है दोनों साइड,
जो कि मैंने क्रीज लाइन से लेकर क्रिएट किया है, और इसे अच्छी तरह से क्रिएट करने के बाद फिर इसे भी एक स्मजर ब्रश से इसे भी स्मज कर लेना है इस तरह से। तो गाइस ऐसा लुक क्रिएट करने से हमारी आंखें और भी ज्यादा डिफाइन नजर आती हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पर लिया है गोल्डन शिमरी शेड, आप देख सकते हो थोड़ा लाइट शिमरी शेड है, और इसे अपने इनर कॉर्नर से लेकर आईलेट पे मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, और इसे भी देखिए अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ जिससे कि ये भी हमारा केकी नज़र ना आए, अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। दोनों आईज पे मैंने सेम कलर लिया है गोल्डन हल्का शिमरी, और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले रही हूँ। फिर इसके बाद फिर मैं ले रही हूँ डार्क ब्लू शेड, इसे भी अपने आउटर कॉर्नर पे हल्का सा लगाना है जो कि मेरे से साड़ी के ब्लाउज से मैच कर रहा है, उसे मैं हल्का सा लगा रही हूँ थोड़ा सा टचअप देने के लिए। फिर इसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले रही हूँ, देख सकते हैं आप मैंने दोनों आंखों पे इस ब्लू शेड को लगा लिया है, और इसे आउटर कॉर्नर से लेके इसे भी क्रीज लाइन में दोनों अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिया है शिमरी पैलेट, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लिटर शिमरी पैलेट है, और इसमें से मैंने गोल्डन शेड लिया है, और गोल्डन शेड को मैं अपने इनर कॉर्नर से लेकर आईलेट पे इसे अप्लाई कर रही हूँ, यू कैन सी गाइस, और इसे भी अच्छी तरह से डैब डैब मोशन में अप्लाई करना है क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड में होता है, इसे ब्लेंड नहीं करना है, इसे बस डैब डैब मोशन में इस तरह से लगा लेना है हल्का हल्का सा। और इसका जो मैं ब्रश यूज कर रही हूँ ये इसी पैलेट में ही ब्रश था, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपने आईब्रोज को हाईलाइट करने के लिए शिवाना हाईलाइटर्स पैलेट, जो कि मैंने इसमें से सिल्वर शेड लिया है, इसे भी अपना एक ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अपने आईब्रोज पे, नोज पर, चिन पर और लिप्स के पर और फॉरहेड पर अच्छी तरह से इसे हाईलाइट कर ले रही हूँ, जिससे कि हमारे फेस काफ़ी शाइन करे, इसलिए मैं ये सारी जगह सारे पॉइंट्स पर इस तरह से हाईलाइट्स कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने अपने चिक्स पर लगाया है ब्लशर, यू कैन सी गाइस यहाँ पर मैंने पिंक शेड ब्लशर लिया है, और इसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले रही हूँ, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर फ्लफी ब्रश लिया है, और इसकी हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले रही हूँ। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर ले रही गोल्डन शेड, इसे भी हाईलाइट कर रही हूँ अपने चिक बोन्स को, इस कलर से काफ़ी अच्छा लुक आएगा जो कि हमारी साड़ी से मैच करेगा। तो गाइज़ मैंने इसके लिए यहाँ पर मैचिंग का यहाँ पर मेकअप किया है, और फिर इसे भी ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि इक्वल नज़र आए। इसे भी हल्का सा मैं अपने नोज़ पर लगा रही हूँ, चिन पर लगा रही हूँ और फॉरहेड पर लगा रही हूँ। इसे लगाने से हमारा फेस और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, एक क्लासिक लुक लगने लगता है हमारे फेस का, आप देख सकते हो इसे मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। और फिर मैंने इसमें से शिवाना पैलेट में से फिर मैंने सिल्वर शेड लिया है हाईलाइट करने के लिए, गोल्डन के जस्ट ऊपर मैंने सिल्वर शेड लिया है, तो इसे भी अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ, आप देख सकते हो जितने भी हाईलाइटर पॉइंट्स हैं। इसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पर लैक्मे आइकॉनिक का काजल। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी वीडियो में बिना काजल के मेकअप नहीं करती, क्योंकि मुझे काजल बहुत पसंद है, काजल के बिना मुझे मेकअप अधूरा लगता है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। तो गाइस मस्कारा लगाने के बाद मैंने अपने फेक लैशेस अप्लाई कर लिए हैं, फिर इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर। यहाँ पर मैं लिक्विड आईलाइनर से विंग आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने लैक्मे का आईलाइनर लिया है, और इससे विंग क्रिएट करके मैंने अच्छी तरह से इसको भी फिलअप कर लिया है, आप देख सकते हो दोनों आईज पर। इसके बाद फिर गाइस जो मैंने क्रीज लाइन में ब्राउन लाइट शेड लिया था उसे मैं लेकर अपने नीचे लोअर लैशेस के पास हल्का सा इसे स्प्रेड कर रही हूँ ताकि मेरी आईज और भी ज़्यादा बल्गिंग लगे और अच्छी लगे, इसलिए मैं यहाँ पर हल्का शेड अप्लाई कर रही हूँ दोनों आईज पर। और इसे कोशिश ये करना है कि आउटर कॉर्नर पे थोड़ा डार्क लेना है और इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा लाइट। इसके बाद फिर मैं मस्कारा से अपने जो फेक लैशेस लगाए उसको सेट कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने मेकअप कंप्लीट होने के बाद मेकअप फिक्सर यूज़ किया है अपने मेकअप को लॉक करने के लिए, जो ताकि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, और फिर मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लिक्विड लिपस्टिक। लिक्विड लिपस्टिक मैं इसलिए यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी लॉन्ग स्टे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, और ये मैंने यहाँ पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है।
तो हमारा मोस्ट ऑफ हमारा सारा मेकअप कंप्लीट हो गया है। लास्ट में यहाँ पर अपनी मांग को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हल्का सा लिक्विड सिंदूर, जो कि मुझे यहाँ पर बंगाली लुक क्रिएट करना है। और फिर मैंने यहाँ पर एक लगा लिया है बिंदी, फिर अपनी ज्वेलरी से अपने फेस को अपने लुक को पूरा सेट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक। ये था हमारा आज का फाइनल लुक, जो कि मैंने दुर्गा पूजा के लिए एक लुक मैंने क्रिएट किया। तो गाइस, ये मैंने आपको पूरा लुक क्रिएट करके दिखाया है, किस तरह से आपको कैसे सीक्वेंस वाइज आपको मेकअप करना है, और एक एक टिप्स मैंने आपको उसमें बताया है। तो आप इसी सीक्वेंस से आप मेकअप करेंगे तो डेफिनेटली इसी तरह का मेकअप आप क्रिएट कर पाएंगे। और मैंने अपने लुक को पूरा क्रिएट कर लिया और साड़ी और ज्वेलरी के थ्रू। तो गाइस, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ये आज का लुक आपको कैसा लगा और कैसा आपको पसंद आया कि नहीं। और गाइस, अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि जैसे दुर्गा पूजा आ रहा है तो हर किसी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा। तो फिर मिलेंगे गाइस आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, खुश रहिए।